बीजेपी कांग्रेस ने कर दी जेजेपी में तोड़फोड़। जेजेपी छोड़ भाग रहे हैं विधायक और पूर्व मंत्री। 24 घंटे में चार बड़े नेताओं ने छोड़ा जेजेपी का साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी का हो जाएगा बंटाधार। लोकसभा चुनाव में 1% से नीचे आ गया था वोट शेयर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। और उससे पहले, क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी पार्टी निपट गई है? क्योंकि जिस तरह के हालात जेजेपी में चल रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, वो कुछ ज्यादा अच्छे संकेत भी नहीं दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो पार्टी की हालत इस कदर पतली हो गई थी कि वोट शेयर पूरे हरियाणा में 1% से भी नीचे आ गया था और ये INLD से भी बेहद कम था। तो आप समझिए कि जेजेपी का ग्राफ हरियाणा में लगातार गिर रहा है। 2019 में इनेलो से टूटकर जेजेपी बनी और 2019 के चुनाव में 10 सीटें जेजेपी ने जीती थी, लेकिन उसके बाद जेजेपी पार्टी ने बीजेपी के साथ समझौता किया और 4.5 साल तक सरकार चलाई। लेकिन जब जेजेपी ने यह समझौता बीजेपी के साथ किया था तभी से जेजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। वैसे राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि उस वक्त दुष्यंत चौटाला का ये निर्णय सही था, क्योंकि सरकार से बाहर बैठकर पार्टी को टूटते हुए देखने से अच्छा है कि सरकार में रहकर अपने आप को और ज्यादा मजबूत करें। और कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति जेजेपी की बन रही है, एक के बाद एक बड़े नेता, बड़े चेहरे, बड़े नाम पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे और भी विधायक रहे हैं जिन्होंने जेजेपी का साथ छोड़ा है। अब 24 घंटे में चार विधायक, जिसमें से दो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी जेजेपी का साथ छोड़ दिया है। तो सवाल यह है कि क्या जेजेपी का हरियाणा में बंटाधार हो रहा है? क्या जेजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही निपटने की कगार पर आकर खड़ी हो गई? तो आपको बता दें वो जो चार नाम है, इसमें कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली है, राज्य मंत्री अनूप धानक, दोनों ही पूर्व मंत्री हैं, इसके अलावा विधायक ईश्वर सिंह और रामकरण काला। इन चारों नेताओं ने, इन चारों विधायक जिसमें से कि दो पूर्व मंत्री हैं, 24 घंटे के भीतर जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सभी ने अपने अपने कारण गिनाए हैं और ये सभी जानते हैं कि राजनीति में कारण कोई नहीं होता, होता है तो मौका। और वही मौका देखते हुए इनमें से एक ने बीजेपी के साथ जाना ठीक समझा तो इसके अलावा तीन ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सभी को नजर आ रहा है कि हरियाणा में जेजेपी की हालत अच्छी नहीं है और ऐसे में अगर 2024 के चुनाव जेजेपी के झंडे और डंडे के साथ खड़े होकर वो लड़ते हैं तो जीतने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। तो इसी को देखते हुए 24 घंटे के भीतर जेजेपी के ये चार बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर दूसरे खेमे में पहुंच गए हैं और अब इसी उम्मीद में है कि वहां से उन्हें टिकट मिलेगी और टिकट लेकर वो विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीतेंगे और विधायक बनेंगे। क्योंकि राजनीति में कोई भी सत्ता सुख से दूर बैठना नहीं चाहता है, हर किसी को सत्ता चाहिए। हर नेता एक ही ख्वाब अपने जीवन में पालता है कि सत्ता के सबसे ऊपर के शिखर पर किस तरह से जाकर वो बैठे। और कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ जेजेपी का साथ लगातार उसके नेता छोड़ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला का इस सब को लेकर बयान आया, उन्होंने कहा है कि नेताओं के पार्टी छोड़ने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और भी किसी को अगर पार्टी छोड़ के जाना है तो वो जाए, जेजेपी हरियाणा में खासी मजबूत है। लेकिन अगर सच्चाई और ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो जेजेपी फिलहाल अब स्ट्रगल कर रही है। 2024 के चुनाव जेजेपी के लिए आसान रहने वाले नहीं है। जेजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि पिछली बार यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जब 10 सीटें जीती थी तो क्या इस आंकड़े को बरकरार रख पाएगी पार्टी, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि 10 के 7 से 1 का डंडा हट जाए और पार्टी जो है वो शून्य पर आकर ना खड़ी हो जाए। कुछ इस तरह का भी संकट पार्टी के सामने आ सकता है। चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत ज्यादा समय किसी भी पार्टी के पास नहीं है, तो अब ऐसे में जेजेपी की रणनीति क्या होगी, किस तरह से वो अपने आप को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे, लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन कुछ बेहतर जेजेपी के लिए रहा नहीं था और पार्टी संगठन जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत है नहीं। और वैसे भी फिलहाल के अगर राजनीतिक समीकरण को समझे, चुनावी समीकरण को हरियाणा में समझे तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के भीतर है, बाकी दल
एक और 11 में कितने हैं और कितने नहीं, ये तो खैर नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन जेजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है। जेजेपी के नेता चाहे कुछ भी कहे, किसी भी पार्टी के पुराने लोग, पुराने साथी, पुराने नेता अगर साथ छोड़ते हैं तो आप समझिए कि पार्टी कमजोर होती है। वो अलग बात है कि पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जेजेपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, वो ये स्वीकार नहीं करता है कि किसी के जाने से उन्हें कोई फर्क पड़ा है। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं है, कोई जाए कोई आए, वो अपनी जगह पर मजबूत है। लेकिन यहाँ जेजेपी की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसे में अब दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला को बैठकर सोचना होगा कि किस तरह से पार्टी को और बेहतर और मजबूत किया जाए, ताकि कम से कम पार्टी जीरो पर तो ना सिमटे। खैर, जीरो की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि कई ऐसे चेहरे, दुष्यंत चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है, उनकी माँ है और कई और भी बड़े चेहरे हैं, और वहां से उम्मीद कहीं ना कहीं जेजेपी को होगी कि वो जो खाता है उसको ठीक ठाक नंबर पर खोलने में एक बार फिर से कामयाब रहेंगे। बाकी खैर, 2024 विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आ ही जाएगा और सभी के सामने साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, कौन सी पार्टी हरियाणा की सत्ता पर राज करने जा रही है और किस पार्टी के खाते में कितने अंक आए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जेजेपी का हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही बंटा धार हो गया है, क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी निपट गई है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।